अच्छा 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ? 24.56% 24.56% अच्छा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड भारत का स्थान 39 खुशहाल में फिनलैंड और भारत का स्थान 140 ग्यारहवीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता। ग्यारहवीं जो है आपका हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने किसने जीता? हरियाणा। अच्छा ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला सबसे युवा भारतीय? ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय? प्रणय हारे। प्रणय हारे हारे भी तो हारे प्रणय हारे। अच्छा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा? मणिपुर। वन धन विकास योजना के लिए मणिपुर मॉडल राज्य के रूप में है। किसने वैश्चेट 2 फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम। किसने वैश्चेट 2 फीचर लॉन्च किया? टेलीग्राम टेलीग्राम। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? स्पेन। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला स्पेन। आगे बताइएगा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्वी दसवाल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्वी दसवाल ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। सर लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, नित्यांगना थी, कहाँ की? ओडिसी नित्यांगना। ओडिसी नित्यांगना थी। कौन सी नित्यांगना? ओडिसी नित्यांगना। ओडिसी नित्यांगना थी। अच्छा विश्व जल दिवस के अवसर पे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? कैच द रेन अभियान शुरू किया गया जल दिवस के अवसर पे किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। इन मोदी नरेंद्र मोदी। आगे बताइएगा ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 56 56 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। किस राज्य में 109वां स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च को? भारत बिहार। बिहार किसने 22 मार्च को बिहार केवल स्थापना दिवस 109वां स्थापना दिवस 109वां स्थापना दिवस। आगे बताइएगा इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य? बिहार। इथेनॉल नीति रखने वाला भी कौन बना? बिहार। इथेनॉल नीति रखने वाला छत्तीसगढ़ का भी बिहार क्या नहीं बिहार। आगे बताइएगा भारत के पैरा एथलीट सिराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप कप में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक? भारत के पैरा एथलीट सिराज सिराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। किस देश के ली जीजिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता? किस देश के ली जीजिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता? मलेशिया ने। किसने जीता? मलेशिया ने जीता। किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देखो अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। देखो अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। अच्छा विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या था? महासागर हमारी और महासागर महासागर हमारी जलवायु और मौसम महासागर हमारी जलवायु और मौसम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड? कंगना रावत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 2021 को 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ किया गया? नंदिनी नदी महोत्सव या क्या मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में मंगलौर में। ये नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ किया गया? मंगलौर में। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। पशुओं के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? शेख मुजीबुर रहमान। गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बोला शेख मुजीबुर रहमान। किस देश ने
किस देश में से संघे ज्वालामुखी फट गया? इक्वाडोर। इक्वाडोर में कहा? इक्वाडोर में। आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर है? किन बेतवा परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? एमपी। किन बेतवा परियोजना? रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया? 18 देशों के लिए कितना लॉन्च किया? 38 सैटेलाइट लॉन्च किया। सब एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को किसके साथ जोड़ा गया? सिक्किम। सिक्किम जोड़ा गया? सिक्किम को। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किसको जोड़ा गया? सिक्किम को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा? एमपी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा किसने शुरू किया? एमपी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया? कुशीनगर यूपी। कौन सा महोत्सव? केला महोत्सव। केला अच्छा चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? नार्वे। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना नार्वे। आईएसएसएफ विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। चिंकी यादव ने क्या जीता? स्वर्ण पदक। चिंकी यादव अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 40। 40वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 40। 40वें स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 भारत 40वें स्थान पर रहा। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां कमीशन किया गया? चंडीगढ़। चेन्नई। 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 कहां किया गया? चेन्नई। चेन्नई में। ये भारतीय तटरक्षक जहाज जो है वज्र को कहां किया गया कमीशन? चेन्नई। अच्छा बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे? लेखक से। अच्छा बताइएगा इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक ये चित्रा नायक। कौन है? चित्रा नायक। चित्रा नायक। नायक इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया? यूपी। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया? बनारस में। वाराणसी। वाराणसी। अच्छा घोषणा सर एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। आगे बताइएगा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? एमपी खजुराहो। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? खजुराहो। WWR ने किस रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? द ग्रेट खली। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में द ग्रेट खली को? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? किरण रिजिजू। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक हित किसने घोषित किया? गल गैंग। किसे घोषित किया गया? गल गैंग। कौन? गल गैंग। गल गैंग। आगे बताइएगा अर्थ आवर डे कब मनाया गया? अर्थ आवर डे 27 मार्च। मार्च को अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच 27 मार्च। आगे बताइएगा 27 मार्च 2021 को 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा। गोवा में हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 26वां दिल्ली। गोवा में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? किमंजारो।
किलिमंजारो कहाँ किलिमंजारो किस देश ने शाहीन वन मिसाइल का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान शाहीन पाकिस्तान किसने किया पाकिस्तान शाहीन वन मिसाइल टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी फोन की शुरुआत किसने की टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी फोन की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क कर्नाटक कहाँ किया गोरखपुर गोरखपुर कहाँ किया गया गोरखपुर शहीद अशफाकुल्ला पार्क गोरखपुर गोरखपुर आगे रहेगा घोषणा अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत की टीलों की तस्वीर साझा की मंगल किसका मंगल बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा मिताली एक्सप्रेस यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को अच्छा किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा किस देश में इंडोनेशिया में माउंट मेरापी इंडोनेशिया शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता स्वर्ण पदक शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ आइसलैंड 900 साल के बाद विस्फोट हुआ आइसलैंड में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया कोपल थप्पड़ को फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया म्यांमार के साथ सारे जो संबंध है आपका जो व्यापारिक संबंध उसको क्या कर दिया निलंबित कर दिया अस्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी शोभा मंडल बिल्कुल राइट कौन शोभा मंडल किसका अस्कोप का चलिए आगे बताइए स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया एवर गिबन फंस गया जिसके कारण क्या हो गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब शुरू हुआ 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया आई आई एम जम्मू अच्छा किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया इस देश के अचानक इस्तीफा दे दिया ब्राजील बिल्कुल राइट ब्राजील कौन है ब्राजील आगे बताइएगा महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया एमपी खजुराहो एमपी में आई एस एस एफ शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पे रहा कौन सा देश भारत रहा अच्छा ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में किसने चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा घोषणा की
जिसने चेक आउट विथ क्रिप्टो ये नई घोषणा की पेपल आगे बताएगा सरस्वती सम्मान किसे मिला सर बोगरा यह है डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले सरस्वती सम्मान 2020 सोसे सरस्वती और सोसे शरण कुमार निम्बाले बोगरा के मिला था बिहार का कारण क्या है सनातन के केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर एक नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है क्या दिया है रियायत दिया है ये था मार्च महीना के महत्वपूर्ण